ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। खबर अमरोहा से, जहां पर आवारा कुत्तों के लगातार हमले के बाद प्रशासन एक्टिव हो गया है। इसके बाद नगर पालिका कर्मचारियों ने आवारा कुत्तों को पकड़ना शुरू कर दिया है। बता दें आपको, आवारा कुत्ते आए दिन लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं। आवारा कुत्तों के झुंड ने बच्चों पर कई बार अटैक किया है। आवारा कुत्तों का खौफ इतना बढ़ गया है कि बच्चे स्कूल जाने से डर रहे हैं। हालात को देखते हुए डीएम के निर्देश का नगर पालिका कर्मचारियों ने आवारा कुत्तों को पकड़ने का काम शुरू कर दिया है। आवारा कुत्तों को पकड़कर उनकी नसबंदी कराई जाएगी। शहर से कुत्तों को पकड़ने के बाद लोगों ने भी कुछ राहत की सांस ली है। देवरिया से खबर, जहां पुलिस टीम और एसओजी ने वाहन चेकिंग के दौरान गांजा तस्कर के रैकेट का खुलासा किया। इस दौरान दो गांजा तस्कर अरेस्ट हुए हैं। उनके पास से लग्जरी गाड़ी और 56 किलो अवैध गांजा बरामद हुआ है। तस्वीरें आप देख रहे हैं। गाड़ी से बिहार और पूर्वांचल के कई जिलों में गांजा तस्करी की जाने वाली जानकारी मिल रही थी। बरामद गांजे की कीमत 5,50,000 रुपए बताई जा रही है। हरदोई से खबर, जहां पर हॉरर किलिंग का एक मामला सामने आया है। आरोप के मुताबिक पिता और मामा ने मिलकर सगी बेटी की हत्या कर दी। हत्या के बाद हाथ पर बांधकर शव को बोरी में बांधकर सड़क के किनारे फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी पिता और मामा को गिरफ्तार कर लिया। मामला सुरसा थाना क्षेत्र के है। सुनैना का शव 30 मार्च को परसापुर भेरमपुर मार्ग पर बोरे में बंधा मिला। सुनैना के पिता ज्ञानेन्द्र ने उसके पति आकाश समेत 3 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कराया था। पुलिस ने तहकीकात के दौरान महिला के पिता और मामले में उस लोगों को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि पूछताछ के दौरान आरोपी पिता ने बताया कि बेटी का चाल चलन ठीक नहीं है और इसीलिए अपने साले के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया गया। विगत 30 मार्च को सांडी अंतर्गत परसा पकड़ता है, वही रोड के किनारे एक महिला जिसका शव बोरे में हाथ पैर बंधे हुए थे मिला था। उसकी पहचान सुनैना जो कि रहने वाली कमरौली की थी, पहचान हुई थी। उनके पिता के तहरीर पर मुकदमा पंजीकृत किया गया था और उसकी विवेचना क्षेत्राधिकारी बलग्राम द्वारा की जा रही थी। उसमें उनके पिता ने ससुराल वालों आकाश तिवारी और अन्य पे मुकदमा पंजीकृत कराया था और सीओ बलग्राम विवेचना कर रहे थे। विवेचना क्रम में यह तथ्य आया कि जो मृतका है उसकी हत्या इनके पिता एवं इनके मामा ने मिलकर करी है। फिर इन दोनों को हिरासत में लिया गया और इनसे पूछताछ की गई। इनके द्वारा ये बताया गया कि मृतका का चरित्र खराब था, इसको लेके अक्सर जो है नाराजगी बनी रहती थी। आगरा से खबर, जहां पुलिस ने इंटरनेशनल साइबर ठगों का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने 3 महिलाओं के साथ 10 ठगों को गिरफ्तार किया है। आगरा में आगरा से फर्जी आईडी पर सिम कार्ड खरीदे जाते थे। उन सिम कार्ड्स को दिल्ली भेजा जाता था। दिल्ली से ये सिम दुबई और थाईलैंड जाते थे। दुबई और थाईलैंड में बैठे लोग फर्जी सिम की मदद से लोगों को रिवॉर्ड पॉइंट, इनाम दिलाने की और ऑनलाइन गेमिंग के जरिए ठगने का काम किया करते थे। ठगी का पैसा फर्जी दस्तावेजों पर खोले गए अकाउंट्स में आता था। ये गैंग इंडिया से नहीं बल्कि दुबई से चल रहा था। से वो 420 सिम कार्ड एक्टिवेटेड, 7 मोबाइल, 4 मोटरसाइकिल, 2 पासपोर्ट, 7 क्यूआर कोड, 8 बैंक पासबुक, 45 चेकबुक, 54 एटीएम कार्ड और 4 पॉस मशीन, ये इनके पास से बरामद किया। ट्रांजेक्शन वगैरह कुछ मालूम पड़ा कितने का लगभग? ये काफी बड़ा क्राइम का मामला है, इसको हम लोग एनालाइज कर रहे हैं और संभवतः इससे और भी लोग जुड़े हुए मिलेंगे। अभी तक हम लोगों ने टोटल 29 लोग आइडेंटिफाई कर लिए और भी ये फैला हो सकता है, तो पूरा इसकी जानकारी दीजिए। सिम तो देखिए हैक करके ही लोग करते थे।
अगली खबर भी आगरा से है, जहां पर आईपीएल मैच देखने को लेकर पति पत्नी में जंग छिड़ गई और ये जंग इतनी बड़ी छिड़ गई कि मामला थाने तक जहां पहुंचा। पूरी खबर विस्तार से आपको बताते हैं। सीरियल के वक्त आईपीएल मैच आता है और ऐसे में पत्नी ने सीरियल देखने की इच्छा जताई जिस वक्त पति आईपीएल मैच देख रहा था। पति पर पत्नी ने बेल्ट से पिटाई का आरोप लगाया है। दोनों के बीच में झगड़ा हुआ, पति ने पत्नी पर बेलन से हमला किया, यह आरोप पति ने लगाया है। विवाद इतना बढ़ गया कि पत्नी मायके चली गई, बात थाने तक पहुंच गई और इस पूरे मैटर को सुलझाने के लिए फैमिली कोर्ट में मामला पहुंच गया। काउंसलर के समझाने पर दोनों में समझौता हुआ है। कि जैसे कि आजकल आईपीएल चल रहा है बहुत ज्यादा, तो मेरे लिए सारे लोग आईपीएल बहुत देखते हैं, तो एक परिवार इस बात के लिए झगड़कर यहाँ आ गया कि पति रेगुलर आईपीएल देखता है और चूंकि हमारे घर की जितनी भी माँ बहनें हैं वो सब क्या है कि वो नाटक सीरियल बहुत ज़्यादा देखती हैं, तो जिस समय आईपीएल आता है उस समय ही सीरियल्स आते हैं, तो दोनों का समय सेम है। अब एक दिन हो गया, दो दिन हो गया, अब कई दिन तक जब वो सीरियल नहीं देख पाई तो फिर झगड़ा हो गया कि बस आप आईपीएल ही देखते रहते हो। तो बस जब बात ज़्यादा बढ़ गई, हाथापाई हो गई दोनों में, तो फिर वो अपने मायके आ गई। आके उसने प्रार्थना पत्र दिया कि ये टीवी। और आइए आपको ले चलते हैं सीधा पीलीभीत, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं और कुछ ही देर में, मिनटों में आप कहिए, मंच पर आपको पीएम मोदी नजर आएंगे। तस्वीरें आप तक पहुंचाएंगे सीधी पीलीभीत से आती हुई, जहां आज एक भव्य विशाल रैली होने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014-19 के लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार पीलीभीत पहुंच रहे हैं। मोदी अब से थोड़ी देर के बाद जो है वो आपको मंच में आने नजर लग जाएंगे, सीधे आपको लिए चलेंगे पीलीभीत। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकना होगा, लेकिन ब्रेक के उस पर आपको लिए चलेंगे पीलीभीत, क्योंकि थोड़े ही मिनटों के इंतजार के बाद पीएम मोदी आपको मंच पर नजर आएंगे। जल्द लौट रहे हैं। आज का पूरा दिन हम बिता रहे हैं ग्राउंड जीरो पे, और ग्राउंड जीरो में हम मौजूद हैं उत्तराखंड की पौड़ी गंगवाल लोकसभा सीट पर। मेरे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के हैवी वेट लोकसभा प्रत्याशी हैं पौड़ी गढ़वाल से, बलूनी साहब स्वागत है आपका। राज्यसभा की सीट छोड़कर लोकसभा लड़ने आ गए प्रधानमंत्री मोदी, या आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा 400 सीटों पार की बात कर रहे हैं। पिछली बार हमने कहा 300 पार तो 303, इस बार 400 पार तो 404 तो होगा ही होगा। हम पहुंच गए हैं घंटाघरण देवता के द्वार पर। यहां पर कहते हैं कि जो मनोकामना मांगी जाती है वो पूरी होती है, कि विपक्ष का जो रवैया है वो हिंदुओं के और जो बहुसंख्यक भारतीय हैं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। जो ये रोटी है ये मिलेट्स की रोटी है, मंडुआ इसे कहते हैं, उसकी रोटी है। ये तो मंडुआ की रोटी, बाकी मिलेट फेवरेट है, तो फेवरेट खाना खा रहे हैं हम आपका। हाँ बिल्कुल।